उत्तर प्रदेश में एक और बोर्ड के लाखों परीक्षार्थियों ने प्रशासन की सख्ती के चलते अपनी परीक्षा छोड़ने को विवश हो गए, तो वहीं दूसरी ओर गोरखपुर पुलिस ने 9 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। ये छात्रों के पेपर को बाहर से सॉल्व कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिलने पर सीओ क्राइम ने स्वॉट टीम को इस पर लगाया था और रंगे हाथ पुलिस की टीम ने इन सॉल्वरों को धर दबोचा। सीओ कैंट और सीओ क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और खोराबार की टीम ने खोराबार क्षेत्र स्थित मॉडर्न इंटर कॉलेज के पास पेट्रोल पंप पर इंटर कॉलेज के छात्रों की कॉपी सॉल्व कर रहे सॉल्वरों को हिरासत में ले लिया और उनके पास से परीक्षा की कॉपी भी बरामद की है। पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों पकड़कर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कुल मिलाकर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नकल माफियाओं का गिरोह था। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि मॉडर्न स्कूल जो मोतीराम अड्डा के बगल एक पेट्रोल पंप के पीछे है, वहाँ पे सुनियोजित ढंग से नकल माफियाओं द्वारा कई दिनों से नकल कराई जा रही है। संयुक्त टीम ने वहाँ पे छापामारी की और छापामारी वहाँ करने के बाद ये रैकेट धीरे धीरे खुलता चला गया। कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी कल तक हो चुकी थी। न्यूज़ के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।